तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शाओमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात सामने आ रही है कि शाओमी जो है वो अपने जो कुछ है प्री इंस्टॉल कुछ एप्लीकेशन है चाइनीज़, उनको कुछ फ़ोन में से निकाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ बात सामने आई है कि वो अपने कुछ स्मार्टफोन है उनमें से कुछ अपने प्री इंस्टॉल है जो उनमें से अब यूज़र कर सकते हैं अनइंस्टॉल। ठीक है, तो शाओमी के फ़ोन से अब खतरा भी टल चुका है क्योंकि अब अनइंस्टॉल कर सकेंगे जो अपनी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शाओमी वाले कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शाओमी की लिस्ट में कुछ यहाँ पे डिवाइस है तो उनको मैं फटाफट यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, यानी कि बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट में यहाँ पे पहला फ़ोन है यहाँ पे रेडमी, दूसरा है पोको और शाओमी का खुद का है जो उसके सबसे पहले यहाँ पे कुछ अपने MIUI अपडेट भी दे सकती है। तो रेडमी, पोको और शाओमी के कुछ फ़ोन है तो उनमें कुछ MIUI अपडेट मिल सकता है, उसके ज़रिए आप अनइंस्टॉल कर सकेंगे। ठीक है, तो शाओमी का ब्राउज़र भी कुछ यूज़र के लिए ख़तरा बन चुका है, तो उसमें कुछ क्रोम की तरह जो हम क्रोम यूज़ करते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसे कि मेरे पास है, जैसे कि सबके पास होता है, तो वो अब सिक्योर नहीं हुआ है क्योंकि क्रोम की तरह सिक्योरिटी वो यहाँ पे MI वाले नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते वो भी ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा एक रिपोर्ट सामने आई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यहाँ पे क्या अपडेट है वो तो बता दिया। ठीक है, अब कौन कौन से डिवाइस में ये अपडेट आपको मिलने वाला है, तो उनमें से कुछ डिवाइस यहाँ पे लिस्ट किए तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फटाफट आपको एक बार याद करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला यहाँ पे डिवाइस MI Mix 2, ये मुझे पता नहीं पर यहाँ पे लिस्ट है MI Mix 2। फिर रेडमी 6 है, फिर रेडमी 6 प्रो है, रेडमी का है, फिर 6 है, 7 है, 7A, 8 है, 8A है, रेडमी गो है, रेडमी क्विट 20 है और उसका प्रो वर्जन है, फिर Y2 है, Y3 है, नोट 5 प्रो, 6 प्रो, 7S भी शामिल है, फिर 8 प्रो है यहाँ पे, रेडमी 9 है प्रो, फिर उसका जो 9 प्रो मैक्स है, नोट 9 है, फिर नोट 9 है, फिर F1 है, X2 है, M2 और ये कुछ इतने यहाँ पे लिस्ट है, तो यहाँ तक शामिल है। फिर आगे पीछे का पता नहीं, उनमें शायद पता नहीं होगे, तो देखिए फिर धीरे धीरे सबको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ऐसे धीरे धीरे सबको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कब मिलेगा। ठीक है, तो शाओमी बोल रही है कि यहाँ पे जल्दी कुछ नया काम करने वाली है और इंडियन यूज़र को भरोसा देने वाली है कि उनका डेटा इंडिया में ही सीमित है और सेफ़ है। ठीक है, और जिसके पास चाइनीज़ फ़ोन नहीं है, ठीक है, जिसके पास चाइनीज़ फ़ोन है, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन वगैरह फ़ोन है ये यूज़ नहीं करते, तो अगर वो अगर यू ऐप यूज़ करते हैं तो उनको भी यहाँ पे अब अनइंस्टॉल करने का भी एक मौका देने वाली है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, उनको भी एक नोटिस मिलेगी कि आप अपने फ़ोन से जल्द ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर ले, आपके लिए काफ़ी ख़तरा होने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छा काम करने वाली है, अब चाइनीज़ एप्लीकेशन को भी बैन करने वाली है अपने प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन से, और जिसके फ़ोन में आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी तरह का, या फिर स्कैनर हो गया, अभी भी कुछ लोग स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं मैंने देखा है, तो वो भी उसको भी यहाँ पे नोटिस देने वाली है। और जब तक अनइंस्टॉल नहीं करेंगे वहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉपअप आता रहेगा या फिर कुछ ऐड चलाई जाएगी या फिर नहीं बैकग्राउंड में वाइब्रेट होगा, कुछ इस तरह का अपडेट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात है और एक इम्प्रेस हुआ हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, तो ऐसी बात सामने आई है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि कैसा लगा ये अपडेट, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सपोर्ट दिखाइए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको हमारी अगली नई वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।